1977 के आसपास की बात है। बच्चन साहब का अल्सर का ऑपरेशन हुआ था, घुटनों में भी तकलीफ थी और उन्हें काफी वक्त तक फुल बेड रेस्ट में रहना था। सारा परिवार देखभाल में जुटा था। हर सुबह अमित, उनके सबसे बड़े बेटे, सबसे पहले मिलने आते थे और बच्चन जी उनसे कहते कि मेरे सिरहाने बैठ जाओ, मुझे धीरे धीरे मेरी आत्मकथा या फिर मधुशाला मधुबाला ये सुनाओ। और इनको सुनते सुनते वो अतीत की स्मृतियों में खो जाते। उन्हीं की कविताओं से, उन्हीं के शब्दों से हर बार सुनने पर एक नया अर्थ खुलता। कभी कभी वो किसी पंक्ति पर अमित को चुप करा देते और नए अर्थों में डूबने उतरने लगते। उन्हीं में से कुछ पंक्तियां ये थी, बने पुजारी प्रेमी साकी, बने पुजारी प्रेमी साकी, गंगा जल पावन हाला, रहे फेरता अविरत गति से मधु के प्यालों की माला, रहे फेरता अविरत गति से मधु के प्यालों की माला, और लिए जा और लिए जा और पिए जा, इसी मंत्र का जाप करे, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मंदिर हो यह मधुशाला, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मंदिर हो यह मधुशाला। उस वक्त के बारे में बच्चन जी कहते हैं, आज भी मुझे याद है जब मैंने मधुशाला की ये पंक्ति सुनी तो बड़ी देर तक सोचता रहा, अगर मैं अपनी इस पंक्ति को ही जी लूं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। शिव की या शिवत्व की प्रतिमा बनकर बैठना कितनी कठिन साधना, कितना तप मांगता है। क्या मैंने किया है? क्या मैं कर सकूंगा? इस तरह से कई कविताएं अपना रहस्य विशिष्ट व्यक्तियों पर विशिष्ट क्षणों में उद्घाटित करती हैं। कविताएं कभी तो जीवन को और जीने में सहायक होती हैं और कभी एक अलग ही तरह जीवन की प्रेरणा भी बन जाती हैं। अब कविता को भोगना भी हर एक के बूते की बात तो नहीं है। कविताएं अपने भोगने के अधिकारी उसको खुद ही खोज लेती हैं। भवभूति ने उत्तर रामचरित में कहा था, कालो हयम निर्विधि विपुला च पृथ्वी, टाइम इज एंडलेस एंड द अर्थ इज अबंडेंट। यानी संसार में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ तो बना ही है। पथिक ना घबरा जाना थक कर, तुझे मिलेगी मधुशाला। मैं हूं अरिसुदन, हिंदी कविताओं की पॉडकास्ट में। हमने शुरुआत की थी बच्चन साहब की मधुशाला से। अगर आप अपनी पसंद की कोई कविता इस पॉडकास्ट में सुनना चाहते हैं तो अवश्य बताइए। फिलहाल सुनते हैं मधुशाला की कुछ और पंक्तियां। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरिजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला, मंदिर मस्जिद गिरिजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। धर्म और जात पात को बच्चन जी कितना महत्व देते थे वो इन पंक्तियों में साफ झलकता है। उनके जीवन में इतने अनुभव हुए थे कि वो जात पात के भेदभाव से बिल्कुल दूर हो चुके थे और इसके चलते कई रिश्तेदारों ने उनका बहिष्कार भी किया हुआ था। महत्वपूर्ण बात यह है कि कंधों पर सिर हो, ना कि सिर पर पगड़ी या हैट। हैट या पगड़ी तभी काम आते हैं जब आप धूप में निकलें या बारिश में निकलें, लेकिन वो आपके सिर को नहीं बदल सकते। बिना पिए जो मधुशाला को बुरा कहे वह मतवाला, यानी जिसने कुछ किया ही नहीं फिर भी दुनिया को कोसता रहे वो तो दीवाना ही हुआ। खाया पिया कुछ भी नहीं, ग्लास तोड़ा बाराना। बिना पिए जो मधुशाला को बुरा कहे वह मतवाला, पी लेने पर तो उसके मुंह पर पड़ जाएगा ताला, पी लेने पर तो उसके मुंह पर पड़ जाएगा ताला, दास द्रोहियों दोनों में है, दास द्रोहियों दोनों में है, जीत सुरा की प्याले की विश्व विजयनी बनकर जग में आई मेरी मधुशाला, विश्व विजयनी बनकर जग में आई मेरी मधुशाला। यानी मधुशाला उस मुकाम की तरह है जिसने विश्व में सबसे ऊपर का स्थान पाया है। अगर आपने महाभारत पढ़ा है
और अगर ध्यान से पढ़ा है तो उसमें जय और विजय का अंतर बताया गया है। महाभारत का शुरुआती नाम भी जय था। विजय वो होती है जब आप अपने बाहरी शत्रु पर विजय पालें, जैसे पांडवों को कौरवों पर मिली थी, और जय वो होती है जब आप अपनी इंद्रियों पर विजय पालें। और जिसे उस तरह की जय मिले उसी को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला। बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला। बैठा अपने भवन मुअज्जिन, देकर मस्जिद में ताला। बैठा अपने भवन मुअज्जिन, देकर मस्जिद में ताला। लुटे खजाने नरपतियों के, गिरी गढ़ों की दीवारें। लुटे खजाने नरपतियों के, गिरी गढ़ों की दीवारें। रहे मुबारक पीने वाले, खुली रहे यह मधुशाला। रहे मुबारक पीने वाले, खुली रहे यह मधुशाला। इरादे हों तो मधुशाला जैसे बुलंद, जो आंधी तूफान गर्द गुबार के बाद भी बरकरार रहें। जैसे किसी भीषण तूफान के बाद कोई बाहर निकले यह देखने को कि क्या टूटा फूटा, क्या बचा। और एक मुसीबत से निकलने के बाद बच्चन साहब ने मधुशाला के लिए कहा था, खय्याम के खेमों को यह भयंकर बवंडर भी ना उड़ा सका। मधुशाला तो ज्यों की त्यों खड़ी थी, अपने सब कलश कंगूरों, गुंबदों और मीनारों के साथ। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सब मिट जाएं बना रहेगा, सब मिट जाएं बना रहेगा। सुंदर सा की यम काला, सूखे सब रस बने रहेंगे, किंतु हलाहल ओहाला। सूखे सब रस बने रहेंगे, किंतु हलाहल ओहाला। धूमधाम और चहल पहल के, धूमधाम और चहल पहल के, स्थान सभी सुनसान बने। जगा करेगा अविरत मरघट, जगा करेगी मधुशाला। जगा करेगा अविरत मरघट, जगा करेगी मधुशाला। इससे जुड़ा बच्चन साहब की जिंदगी का एक किस्सा है। उनकी बहन की शादी के अवसर पर उनके छोटे भाई शालिग्राम, वो अपनी पत्नी के साथ आए तो पता लगा कि उनकी पत्नी के पैर भारी हैं, लेकिन साथ में उनको एनीमिया की बीमारी भी है। और बीमारियों के बारे में बच्चन साहब कहते हैं, बीमारियां इस घर में अब अति परिचित सी हो गई हैं, अवज्ञा योग्य हो गई हैं, यानी उनको इग्नोर ही कर देना चाहिए। खैर, सामर्थ्य के अनुसार इलाज होता रहा, समय से एक बच्ची भी हुई, लेकिन थोड़े ही समय में बच्ची और बच्ची की माँ दोनों का देहावसान हो गया। शादी और मौत जैसे हाथ बांधे घर में आई थी। एक दिन घर से डोली निकल गई, दूसरे दिन घर से अर्थी निकल गई। डोली और अर्थी के जीवन में इसी साथ से जुड़ी हुई ये पंक्ति है, जगा करेगा अविरत मरघट, जगा करेगी मधुशाला। यानी एक तरफ तो मरघट है और एक तरफ मधुशाला की महफिल जमी हुई। जैसे एक और छोटी सी कविता है, जीवन में दोनों आते हैं मिट्टी के पल सोने के क्षण। जीवन से दोनों जाते हैं पाने के पल खोने के क्षण। हम जिस क्षण में जो करते हैं बाध्य वही हैं करने को। हम जिस क्षण में जो करते हैं बाध्य वही हैं करने को। हंसने का क्षण पाकर हंसते, रोते हैं पा रोने के क्षण। हंसने का क्षण पाकर हंसते, रोते हैं पा रोने के क्षण। एक बरस में एक बार ही, एक बरस में एक बार ही, जगती होली की ज्वाला। एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला। एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला। दुनिया वालों, दुनिया वालों, किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो। दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। यहाँ एक फिलोसॉफिकल सी बात है, कविता में कहें तो जीवनवाद। मधुशाला अपने मन की तरह है, जो दुनिया की रस्मों त्योहारों से ऊपर उठ चुकी है, जहाँ हर पल ही एक जश्न की तरह है। दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। Life is a long weekend, don't waste it.
लिव इट। हरा भरा रहता मदिरालय, हरा भरा रहता मदिरालय, जग पर पड़ जाए पाला, वहां मुहर्रम का तम छाए, यहां होलिका की ज्वाला। वहां मुहर्रम का तम छाए, यहां होलिका की ज्वाला। स्वर्ग लोक से सीधी उतरी, स्वर्ग लोक से सीधी उतरी, वसुधा पर दुख क्या जाने, पढ़े मरसिया दुनिया सारी, ईद मनाती मधुशाला। पढ़े मरसिया दुनिया सारी, ईद मनाती मधुशाला। मधुशाला तो स्वर्ग से सीधी उतरी है, जो स्वर्ग से सीधा उतर के आया है वो धरती के दुखों को क्या जाने। पॉजिटिव एटीट्यूड की बात है, आजकल तो और ज्यादा रिलेवेंट है जब कोरोना महामारी की वजह से हर तरफ से सिर्फ उदासी और निराशा भरी खबरें ही आती हैं। मरसिया के बारे में बच्चन साहब अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मरसिया की लय कुछ ऐसी होती है कि शब्द ना समझने पर भी मन में उदासी सी छा जाए। कुछ इस तरह का संगीत हमको भी कभी कभी सुनने को मिल ही जाता है। बुरा सदा कहलाएगा जग में, बुरा सदा कहलाएगा जग में, बांका चंचल प्याला, छैल छबीला रसिया साकी, अलबेला पीने वाला। जैसा पहले कहा, बच्चन साहब ने मधुशाला में कई पंक्तियों को बड़ा म्यूजिकल सा बना दिया है। इसे हिंदी में अलंकार कहते हैं, अलंकार यानी कविता का आभूषण। अलंकार करोति इति अलंकार है, जो अलंकृत करे वही अलंकार है। कवि महोदय ने यहाँ अनुप्रास अलंकार को जीवंत कर दिया है। छैल छबीला रसिया साकी, अलबेला पीने वाला। पटे कहाँ से मधुशाला और जग की जोड़ी ठीक नहीं। मधुशाला और जग यानी दुनिया, इनकी जोड़ी बहुत ही बेमेल है, जैसे कि ऑड कपल। तो ऐसी जोड़ी बनेगी कहाँ और टिकेगी कैसे। पटे कहाँ से मधुशाला और जग की जोड़ी ठीक नहीं, जग जर्जर प्रतिदिन प्रतिक्षण, पर नित्य नवेली मधुशाला। जग जर्जर प्रतिदिन प्रतिक्षण, पर नित्य नवेली मधुशाला। यानी दुनिया का तो बुढ़ापा आ गया और जर्जर होती जा रही है दिन प्रतिदिन, और मधुशाला वो तो हर पल हर दिन नई नवेली नव यौवना बनती जा रही है। हम अपने मन को भी इसी तरह क्यों ना कर सकें कि दुनिया में कुछ भी होता रहे लेकिन अपनी पॉजिटिविटी कभी खत्म ना हो। फिलहाल यहीं पर विराम लेते हैं। अपने विचार फीडबैक अवश्य देते रहें और अगले अंक तक मुस्कुराते रहें, चाय कॉफी पीते रहें और सुरक्षित रहें।